उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 2 महीने पहले हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया है। इसमें चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर माता पिता की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। आरोप है कि इस लड़की के प्रेम संबंधों के बारे में उसके माता पिता को पता चल गया था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। सर्विलांस की मदद से हम लोगों को ये क्लू मिला कि ये दोनों कलकत्ता के पास हुगली में रह रहे थे और रह करके मजदूरी कर रहे थे। इस सूचना पर हमारी टीम वहां पर गई है, जिसमें प्रभारी निरीक्षक गुरसहायगंज और स्वाट की टीम थी, सर्विलांस की टीम थी, और इन लोगों ने इन दोनों को वहां से गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड लेकर के आज यहां आए हैं और इनको आज मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार एक सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ है। इन दोनों ने घटना के बारे में पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल कर लिया है और ये बताया है कि इनके हम उम्र होने के नाते मामा भांजी के बीच प्रेम संबंध हो गया था और जब संगीता के पिता को इसकी जानकारी मिली तो ये लोग बेहद नाराज हुए कि इसने रिश्ते का कत्ल किया है। तो इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, परमिंदर और संगीता ने एक ये कठोर निर्णय लिया और दोनों ने मिल करके अपने पिता और माता के ऊपर हमला कर दिया और इस तरीके से घटना को अंजाम दिया।